नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 8 जुलाई के सुबह 10 बजे से ज्यादा दोस्तों यह समय से आपके जीवनकाल में भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद से बड़े महत्वपूर्ण चमत्कार होने वाले हैं। ज्यादा दोस्तों दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समय गुरुवार का दिन होगा और ज्योतिष शास्त्र में गुरुवार का दिन भगवान श्री विष्णु जी का परम दिनों में से एक दिन है। जी दोस्तों, और यश में भगवान श्री विष्णु जी अपने भक्तों के जीवन काल में कई बड़े शिव चमत्कार करते हैं, जिनसे उनके भक्त खुशियों का एहसास करते हैं। और यश में भी आपके जीवन काल में वे घटनाएं होने वाली है जिनसे आप खुशियों का एहसास करेंगे। आपके जीवन काल से अब बहुत सारी कार्यों में आपको लाभ देखने को मिलेंगे, कई रुके हुए कार्यों में भी वृद्धि होंगी। दोस्तों आपको बता दें कि यश में भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद से ग्रहों की भी बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ग्रहों की यश में कुछ ऐसी स्थिति बन रही है जिनके कारण आपको कई क्षेत्रों में लाभ के साथ साथ बड़ी सफलताएं भी हाथ लगने का मौका मिलेगा। जी दोस्तों आपको बता दें कि यश में ग्रहों की जो स्थिति है भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद से बहुत ही लाभकारी स्थिति आपको देने वाली है। बशर्ते दोस्तों अब आपकी जरूरत होता है कि इन सभी समयों का सही से उपयोग में लाएं। जी दोस्तों अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपका जीवन धन्य होने से कोई रोक नहीं सकता। इनमें आप जानेंगे कि यश में आपको किन किन चित्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन किन चित्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या क्या चमत्कार होंगे तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री विष्णु जी लिखेगा, गुरु जी का और भगवान श्री विष्णु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो मित्रों जरूर लिखिएगा, और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों पिछले कुछ समय से किसी के साथ चल रहे खराब संबंधों में यश में सुधार आएगा। घर के सुख सुविधाओं संबंधी कार्यों में भी आपका विशेष यशमय योगदान रहेगा। इस उपरांत दोस्तों यशमय आर्थिक स्थिति भी उचित बनी रहेगी। भविष्य संबंधी निवेश करने के लिए यह जो समय होगा आपके लिए बहुत ही अच्छा समय होगा। साथ ही इसमें सावधानी की बात करें तो दोस्तों इसमें संतान से संबंधित कुछ कार्यों में खर्चों की अधिकता रहेगी। अपने भावुकता जैसे स्वभाव पर नियंत्रण रखें, अन्यथा कुछ लोग आपका इसमें गलत फायदा भी उठा सकते हैं। दोस्तों इसमें दोपहर बाद ग्रह स्थितियां आपके लिए कुछ विपरीत रहेंगी तथा मन में कुछ नकारात्मक विचार भी आपको परेशान कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आपके लिए समय होंगे दोस्तों इसमें कुछ सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं के प्रति आपका जो योगदान होगा समाज में आपको एक नई पहचान देगा। दोस्तों किसी पारिवारिक मुद्दे में आपकी जो उपस्थिति होगी विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगी। यश में परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन भी आ रहा है, इसका उचित सदुपयोग करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसको पाया दोस्तों यश में ध्यान रखें कि किसी नजदीकी रिश्तेदार की वजह से धन की हानि होना संभव होगा। लेन देन करते समय लापरवाही ना बरतें। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की भी जरूरत होगी। यश में किसी भी यात्रा को करने के लिए जो समय होंगे उचित समय नहीं होंगे, इसलिए दोस्तों यश में यात्रा को स्थगित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे आपका अधिकतर समय अपने व्यक्तित्व को और अधिक बेहतर तरीके से बनाने में व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को भी शिक्षा के अनुरूप ही कोई नौकरी मिलने से चिंता दूर होगी। धर्म कर्म तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपकी यश में रुचि रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय धन के लेन देन समय कोई नुकसान होने की स्थिति भी बन रही है, जिनकी वजह से तनाव और चिड़चिड़ापन जैसा थोड़ा सा माहौल भी रहेगा। दोस्तों आपकी अधिकारपूर्ण वाणी दूसरों को नाराज कर सकती है, अपने स्वभाव को सहज और नरम बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे दोस्तों परिवार के साथ घर की साथ सज्जा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में अच्छा समय व्यतीत होगा। सभी सदस्यों के बीच हास प्रयास तथा मनोरंजन भरा वातावरण बना रहेगा। दोस्तों यश में आप परिवार तथा व्यवसाय के बीच बेहतरीन तालमेल बनाकर भी रखेंगे। व्यस्तता के बावजूद भी यश में सभी कार्य सही तरीके से भी यश में पूरे होंगे, जिससे दोस्तों आपका मन भी यश में प्रसन्न रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अपने विरोधियों की गतिविधियों को नज़रअंदाज ना करें,
आप जो है किसी षड्यंत्र या फिर गलतफहमी के शिकार भी यह समय हो सकते हैं। किसी रिश्तेदार या फिर मित्र के भी कुछ कहासुनी हो सकती है। इनकी वजह से दोस्तों मन थोड़ा सा व्यथित रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई से संबंधित कुछ मुश्किलों का सामना भी यश में करना पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों यश में आपको सफलता भी प्राप्त होगी, जिससे आपका मन भी मोटिवेटेड होते रहेंगे। इसके बाद दोस्तों यश में आपके व्यवसाय को लेकर बात करें, अर्थात आपके करियर की, तो दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, व्यवसाय में धन संबंधी मामलों तथा योजनाओं को किसी कार्य रूप देने के लिए जो समय होंगे उचित समय होंगे, परंतु दोस्तों व्यवस्था बनाए रखने में बहुत अधिक सावधानी रखने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि दोस्तों स्टाफ के बीच कोई राजनीति चल सकती है। यश में राज की सफलता और फिर सुगमता से प्रसन्न आप होते जाएंगे। इसको बयान दोस्तों यश समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों कोई भी नया काम शुरू करना यश में ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों यश में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय गलत होने की वजह से आपको नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों बेहतर होगा कि वर्तमान परिस्थितियों पर ही अपना ध्यान दें तथा नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी काम की अधिकता की वजह से ओवर टाइम भी यश समय करना पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों आपके करियर के लिए जो समय होंगे यश समय कार्य क्षेत्र में आय के संसाधनों में वृद्धि होगी, परंतु शादी खर्चे भी बढ़ेंगे। दोस्तों यश समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि किसी नजदीकी मित्र की सलाह से आपको कोई रुका हुआ कार्य भी यश में संपन्न हो सकता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए कुछ ट्रांसफर संबंधी योग भी बन रहे हैं, जिनमें दोस्तों आपको तरक्की यश में संभव है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यश समय अपने व्यवसाय में सिर्फ वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें। किसी भी नई योजना पर काम शुरू करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों व्यवसाय की दृष्टि से अभी गलत स्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं है। दोस्तों नौकरी पेशा व्यक्तियों पर यश में अपने उच्च अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों घर में अनुशासित तथा व्यवस्थित माहौल बना रहेगा। पति पत्नी के आपसी संबंधों में कुछ तकरार भी उत्पन्न हो सकते हैं, अर्थात दोस्तों यश समय आप अपने जो है धर्म पत्नी या फिर जीवन साथी से बात करते समय अपने वाणी पर संयम रखें, ये आपके लव लाइफ के लिए यश समय बेहतर रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों परिवार में खुशी भरा माहौल रहेगा, परंतु ध्यान रखिए कि भारी संबंध आपके लिए आपके परिवार में सुख शांति में बाधा डाल सकता है। दोस्तों किसी बाहरी व्यक्ति को अपने परिवार के समक्ष हस्तक्षेप करने ना दें, ये आपके लव लाइफ के लिए यश समय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, दोस्तों आर्थिक परेशानियों को लेकर पति पत्नी के बीच थोड़ा सा तनाव भी रहेगा, बेहतर होगा कि आपस में बैठकर समस्या का हल निकालें, ये आपके लव लाइफ के लिए बेहतर होंगे और आप इनसे दोस्तों समस्या का हल भी यश में निकाल पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि घर का माहौल यश में अर्थात पूर्ण खुशनुमा और व्यवस्थित बना रहेगा। युवा वर्ग अपने प्रेम संबंधों को लेकर गंभीर और ईमानदार रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी हेल्थ को लेकर बात करें, तो दोस्तों शारीरिक और मानसिक थकान की वजह से तनाव और थोड़ी सी कमजोरी भी आपके ऊपर हावी रह सकती है। कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में भी समय को लगाएं तथा प्रकृति के निकट भी अपने समय को व्यतीत करें, दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे, तो इन पर आप जरूर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों आपके स्वास्थ्य के लिए समय जो समय होंगे, मानसिक तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर व फिर डायबिटीज की समस्या बढ़ सकती है। मेडिटेशन तथा योगा आपके लिए इसमें उचित इलाज होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दूषित पानी व फिर खान पान की वजह से पेट संबंधी दिक्कतें भी उत्पन्न हो सकती है। दिनचर्या को सीमित बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों अत्यधिक काम की वजह से पैरों में जो है आपका थकान व फिर सूजन की समस्या रह सकती है, इसलिए दोस्तों काम के साथ साथ आराम भी लेना आपके स्वास्थ्य के लिए यह समय अति आवश्यक होंगे, तो दोस्तों इनका आप जरूर ध्यान रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे।